जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बता देता हूँ, वहाँ पे है सामने चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन और लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है वो है सामने। और आने के लिए आपको, अगर आप इस साइड से आते हैं तो ये पड़ेगा कश्मीरी गेट, और अगर यहाँ से आप आते हैं और इस साइड से आपको जो है यहाँ से आपको है दिल्ली गेट के लिए रास्ता मिलेगा जो कि दरियागंज से होते हुए जाता है। और इसके जो राइट साइड है यहाँ पे, ये वाली जो है यहाँ पे एक मार्केट बनी हुई है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये मार्केट का है, इसको बोलते हैं लाजपत राय मार्केट, जो कि दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है। और इस तरफ जो पड़ेगा ये है आपका सिंगापुर जैन लाल मंदिर। उसके अलावा आगे चलते हैं गाइस, ये पूरा का पूरा एरिया जो है चांदनी चौक का है, यहाँ से काफ़ी अच्छा बना दिया गया है पिछले 3 सालों में, कोविड के बाद इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा का पूरा। बाकी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक मैप भी दिया हुआ है चांदनी चौक का, इसमें सारी जगह का जो है नक्शा यहाँ पर दे रखा है। मैं इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ और ये चांदनी चौक की रोड है जो कि पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। और फिलहाल मंदिर के अंदर ये सामने था लाल किला, फतेहपुरी मस्जिद तक जो है ये रोड आगे तक जाता है, तो लेकर चलते हैं आपको वहाँ पे और दिखाते हैं कि बीच रास्ते में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। कोशिश करूँगा कि आपको सारी जगह दिखाने की, तो जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस, जस्ट जैन मंदिर को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आता है गौरी शंकर मंदिर, ये भी काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ पर। आज मंगलवार है इस वजह से यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस, ये जो है श्री गौरी शंकर मंदिर है। जब आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये वाला रास्ता जो है ना, ये वाला रास्ता आपको इस साइड से अगर आप ऐसे जाके लेफ्ट जाते हैं तो आगे जाके आपको भगीरथ पैलेस में ले जाता है। वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है होलसेल मार्केट है बहुत बड़ी, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जो है वहाँ पे परचेस कर सकते हैं होलसेल रेट पर। ये वाला जो हिस्सा है पूरा लेके आके, यहाँ तो मैंने जो भी बताया, ये लाल किले के लाजपत राय मार्केट बोलते हैं इसको, जो कि सेम जो है फेमस है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए। यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में यूज़ की जाती है। उसके अलावा सामने है, यहाँ पर एक कुछ चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जब आप थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो एक बहुत पुराना जो है सिनेमा थिएटर है यहाँ पे, जिसको मोती नाम का। देखिएगा यहाँ पे भीड़ काफ़ी हो रखी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आते जाते रहते हैं। ये देखिए, ये अंदर तक जाता है रास्ता काफ़ी। और यहाँ पर जो है मार्केट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इसी के जस्ट आगे यहाँ पर जब आप बिल्कुल लास्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक आपको एक और मार्केट मिलेगी जो कि मैं कोशिश करूँगा आज दिखाने की या फिर नेक्स्ट टाइम में, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ये वाली जो मार्केट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने मार्केट है ना गाइस, ये जो है ये टॉय मार्केट है पूरी अंदर की तरफ। थोड़ा सा मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये जो है ना ये पूरी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, लेकिन मेन जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि ये जो है टॉय की मार्केट है, यहाँ पे वो आगे तक जाती है। और अगर आप सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ जाएंगे तो उसके जस्ट पीछे जो है पूरी जो है काफ़ी बड़ी जो है होलसेल मार्केट है, घड़ियों की जो होलसेल मार्केट है वो मिलेगी आपको। और इसके बाद
गाइस दिल्ली में इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी क्राउड है यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगहों से लोग जो है इधर से उधर आते हैं, और चांदनी चौक जो है सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। और तो गाइस इधर से आपको दिखाता हूँ कि अगर आप उस साइड पे जाते हैं ना, ये वाला हिस्सा, जब आप ऐसे जाते हैं तो उस तरफ जो है टॉय मार्केट पड़ती है, और वहीं पे जो है साइकिल की मार्केट भी मिलेगी आपको, जो कि यहाँ से आप साइकिल जो है बच्चों के लिए खरीद सकते हो। और उसके अलावा ये वाला जो कॉर्नर है, ये मेन कॉर्नर है, इसको जो है यहाँ पर कैमरा मार्केट भी बोलते हैं इसको। तो ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ से लेकर जो है आगे तक स्ट्रेच करता है। आज यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है आई थिंक आगे, क्योंकि मंदिर है वहाँ पे, तो ये देखिए कि मंगलवार की वजह से यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। सामने मिलेगा आपको ये काफ़ी बड़ा जो है SBI का बैंक है, जो कि मार्केट में ही है यहाँ पे। और ये जो सामने जो है छोटी सी गली आपको दिखाई दे रही है ना गाइस, ये कैमरा मार्केट है। यहाँ पर आपको कैमरे से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए होगा, इवन कैमरा, ओल्ड यूज जो है कैमरा वगैरह सब कुछ जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। थोड़ा सा और आगे जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस यहाँ पे जो है काफ़ी सारी शॉप्स है यहाँ पर जो कैमरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड्स, कैमरे के मेमोरी कार्ड्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, थोड़ा और आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो है लेफ्ट और राइट में जो है दोनों साइड काफ़ी बड़ी बड़ी छोटी जो है कपड़े की और हर तरीके से सामान जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक और जो मेन आपको मैं मार्केट दिखाने वाला हूँ वो है ये यहाँ पे। तो गाइस इस समय खड़ा हूँ मैं भगीरथ पैलेस के जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजली वाली मार्केट बोलते हैं उसको, देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है भगीरथ पैलेस, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है आपको A to Z गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स जो लाइट से रिलेटेड जो भी सामान है वो सब कुछ यहाँ पे मिल पाएगा। और इसी मार्केट के साथ जो है अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ पे मैकडी भी है सामने, तो जस्ट मैकडी के जस्ट राइट में जो है ये है आपकी भगीरथ पैलेस की मार्केट। थोड़ा और अंदर जाएंगे, थोड़ा सा और अगर अंदर जाते हैं तो आपको मेडिकल की मार्केट भी मिलेगी वहाँ पर, जहाँ पर के मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड जो है सारा सामान मिलेगा वहाँ पर, सब कुछ मेडिकल से इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ। एक और जगह है वो दिखा रहा हूँ आपको, ये है सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च है यहाँ पे, एक चर्च भी है यहाँ पे, ये देखिए गाइस ये है चर्च जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि ये खुला रहता है बंद, बट स्टिल यहाँ पर जो है ये चर्च बना हुआ है। और उसके अलावा इस साइड में मार्केट है सारी, अब दोनों साइड लेफ्ट राइट किसी भी साइड में आप चलेंगे ना तो साइड वॉक पर आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, लेकिन जो लेफ्ट साइड का एरिया है इस एरिया में आपको काफ़ी सारी जो है शॉप्स दिखाई देंगी। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, चलता हूँ, देखिएगा इस यहाँ पर जो है एक ये शॉप है, ये है जलेबी वाला, काफ़ी बड़ी शॉप है, यहाँ पे लाइन लगी रहती है जलेबी खाने के लिए लोगों की। अभी आज तो भीड़ दिखाई नहीं दे रही मुझको, लेकिन और यहाँ पे रास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा कर दिया गया इनके सामने। तो एक ये हो गई, मैं आपको लेकर चलूँगा फतेहपुरी चौक के बिल्कुल लास्ट में, तो मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में, और साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके गाइस, तो अब एक और जो सबसे बड़ी और फेमस जगह है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस ये आ गया गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है गाइस, ये है यहाँ पर भी गाइस बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और खाने पीने की गाइस बहुत सारे जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे लेफ्ट में राइट में काफ़ी सारे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपको इन शॉप्स पर खाना कर खाकर कैसा लगा। ये जो है गुरुद्वारा शीशगंज का, इसको चौराहा बोल दीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साइड में तो है मेरे पास साथ में यहाँ पर है गुरुद्वारा शीशगंज, और उस तरफ है लाल किला। जब मैं सामने जो है अभी मेरे को आगे जाना है, मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरफ जो है आई थिंक ओमेक्स जो है न्यू मॉल यहाँ पे बना हुआ है वो है, वो मैं लेकर चलूँगा आपको। और ये जो है मेन चौराहा है यहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज का, तो यहाँ पर जो है लोग आते हैं, ये देखिए, तो ये जगह है। सामने भी एक वहाँ पर उस साइड में भी जो है
एक रिलीजियस प्लेस है, बाकी ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, उस तरफ चलेंगे बाद में। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस रोड से सीधा आगे निकल जाएंगे तो आप जो है कोड़िया पुल पर पहुँच जाएंगे, जो कि मेन एंट्रेंस है वहाँ से वापसी इधर आने के लिए। क्योंकि अगर आप इधर से यहाँ तक बीच में कोई भी है रास्ता जो है आपको नहीं मिलेगा, तो वो एक ही मेन एंट्रेंस है। अगर आप कोड़िया पुल से ऐसे आते हैं तो फिर आप जो है चांदनी चौक की तरफ यहाँ पर आ सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा चौराहा है, यहाँ पर काफ़ी सारी जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी सारे शॉप्स है यहाँ पर, कुछ फेमस भी हैं। और ये एक मस्जिद भी है, सुनहरी मस्जिद लिखा है इसके ऊपर, शाही सुनहरी मस्जिद। और यहाँ पे है सामने हल्दीराम बोरा, सामने वो है हल्दीराम, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हल्दीराम के लिए। और गाइस जो यहाँ पे जो शॉप्स बनी हुई है ना, इसके बीच में से होते हुए काफ़ी सारी गलियाँ जो है बीच बीच में से जो है यहाँ से होती हुई जाती है, और वो आपको और अंदर मार्केट में चांदनी चौक के अंदर ले जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर एक छोटी सी गली बनी हुई है, ये गली है, ये काफ़ी अंदर तक जा रही है, अभी आगे जाके कहाँ जाएगी पता नहीं। और गाइस देखिए चांदनी चौक की जो सबसे फेमस गली है वहाँ पर मैं ले आया हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये है पराठे वाली गली, यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन अभी लगभग एक साल के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारी बाहर भी शॉप्स जो है, ये सारी शॉप्स जो है बन गई है, और अंदर जो है ना काफ़ी बड़ी जो है मार्केट अंदर ऐसे जाके अंदर तक जाती है, और दिल्ली की सबसे बड़ी जो है फेमस गली है ये। आज भीड़ यहाँ पे भी कम दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन यहाँ पे जो है पैर रखने की जगह नहीं होती इस गाइस इस गली में। बहुत बड़ी बात है कि इस गली के अंदर घुसने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो पराठे वाली गली के बाद लेकर चलते हैं आपको यहाँ पर, और ये है गाइस नटराज दही बल्ला कॉर्नर। गाइस ये भी बहुत बड़ी जो है शॉप है, काफ़ी फेमस शॉप है। ये देखिए गर्मी का असर इस समय दिल्ली वालों पे बहुत बढ़िया पड़ रहा है। ये देखिए क्राउड है ही नहीं यहाँ पे चारों तरफ, नहीं तो यहाँ पे भी पैर रखने की जो है जगह मिलती नहीं है। बाकी साइड बाई साइड जो है और भी शॉप्स यहाँ पर खाने पीने की खुल गई हैं, कुछ पुरानी है कुछ नई है लेकिन स्टिल। और एक ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोती बाज़ार, तो ये रास्ता जो है मोती बाज़ार के लिए जाता होगा और काफ़ी अंदर तक आगे तक जा रहा है। और ज़्यादातर गलियाँ जो है एक दूसरे से अटैच होकर ना गाइस फिर वो मिल जाती है आपस में, तो थोड़ा सा भूल भुलैया ज़रूर है दिल्ली से हमें। यहाँ पे भी गाइस अप्रेल्स की जो है काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स बनी हुई है यहाँ पर हर तरह की, और ज़्यादातर जो शॉप्स है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी, राइट साइड में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में काफ़ी सारी शॉप्स है गारमेंट्स की, बहुत सारी बड़ी छोटी, और इस तरफ जो है आपको ज्वेलरी की शॉप्स मिलेंगी आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप चांदनी चौक आ रहे हैं तो मेरा वीडियो आपके लिए आई थिंक आपको आपके लिए यूज़फुल रहेगा, तो मैं आपको ज़्यादातर जो भी लोकेशंस है वो सारी यहाँ पर एक्सप्लोर करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ओके गाइस तो ये मैं आ गया यहाँ पर। जी हाँ, अब ये मैं आ गया हूँ, ये है गाइस मेन टाउन हॉल का चौराहा। देखिए फतेहपुरी के लिए वहाँ पे बोर्ड जो है वो सामने के लिए जो है वहाँ पे जाएंगे हम, और बल्ली मारन भी आगे बढ़ेगा। फ़िलहाल आ गया हूँ मैं टाउन हॉल के चौक पर, तो देखिए गाइस ये है टाउन हॉल, और ये मेन टाउन हॉल है। यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी की माँ एक स्टैचू बना हुआ है, और देखिए गाइस सामने जो है वो है नई सड़क। नई सड़क जो है वो फेमस है आपको बुक्स के लिए और साड़ियों के कलेक्शंस के लिए, बहुत सारी फेमस जो है शॉप्स वहाँ पे साड़ियों की जो है रिटेल की और होलसेल की वहाँ पर मिलेंगी आपको। और स्टूडेंट्स के लिए तो जो खजाना है वो वहीं पर ही है, नई सड़क जो है बिल्कुल स्ट्रेच करते जाके जाके, और अगर आप उससे लेफ्ट जाते हैं तो लेफ़्ट में आपको जो है मिलेगा जामा मस्जिद का रोड मिलेगा, और अगर वापस उधर से घूमते हुए आप जाते हैं तो आपको चौड़ी बाजार जो चौक है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गाइस ये जो है चौक है यहाँ पे, उस साइड तो कुछ नहीं है लेकिन इस साइड में आपको जो है यहाँ पे काफ़ी छोटी बड़ी जो है खाने की जो है शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पर, और ये सब यहाँ पर उस साइड में टाउन हॉल था ये आ गया। चलते थोड़ा और आगे फिर बताते हैं आपको। एक और रोड के बारे में आपको मैं बता देता हूँ,
वो है यहाँ पे, ये सामने की तरफ जो है एक रोड जा रहा है। ये आपको अगर आप बिल्कुल सीधे चले जाते हैं सामने तो ये आपको वापस जो है कोड़िया पुल की तरफ ले जाएगा, जिससे कि आप लेफ्ट में आप सदर बाज़ार के लिए भी जा सकते हैं। बाकी अगर वापसी आना हो अगर लाल किले और कोड़िया पुल की तरफ तो आप इधर से भी यहाँ से भी एग्जिट करके निकल के जा सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है सामने जो है सब जगह शॉप्स ही शॉप्स है। चांदनी चौक का ये पूरा रोड है जो आगे तक जाता है। तो ये देखिए गाइस मैं आपको काफ़ी दूर तक ले आया हूँ, ये देखिए। और आगे चलते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस यहाँ पर जितनी भी जो गलियाँ जा रही है ना वहाँ पे ज़्यादातर उनको कटरा बोलते हैं, तो कटरा के नाम से फेमस है। उनके यहाँ पे अब साइन बोर्ड लगा दिए हैं, पहले यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं हुआ करते थे। और गाइस ये आ गया बल्ली मारन। जी हाँ दोस्तों ये जो लोकेशन है गाइस ये बल्ली मारन है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये बल्ली मारन की जो गली फेमस है, ये है जूतों की जो सबसे फेमस जो है ये गली आती है। आपको दिखाऊंगा यहाँ तक स्ट्रेच जाती है काफ़ी आगे तक, और जब थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो आपको जो है चश्मे की जो होलसेल मार्केट है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। वो देखिए सामने अभी दिखाता हूँ फिर आपको आगे भी। और बहुत सारे लोग लेफ्ट साइड में जो है आपको यहाँ पे जूतों की जो है शॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन जो मेन शॉप्स सारी जो है वो मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में जाकर ही है। फिलहाल इधर आ गया हूँ मैं। तो देखिए गाइस सारी जो मैंने आपको मार्केट में यहाँ पे मैंने कोशिश किया दिखाने की छोटे से व्लॉग में, पूरा चांदनी चौक जो है मैंने एक्सप्लोर करा दिया। यह आ गया फतेहपुरी चौक, यहाँ से आपको मैं खड़े होकर दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। आपको देखिए चारों तरफ जो है ना रिक्शे वाले तो बेइंतहा मिल जाएंगे यहाँ पे, बेहिसाब देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो हिस्सा है ये कटरा बरिया जा रहा है, ये वो ये वाला एरिया वो है जो कि जवाब ऐसे जाते हैं, तो इधर भी इसके जस्ट पीछे जो है वहाँ पे सन ग्लासेस की और आई ग्लासेस की बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर आपको जो है मसालों की मार्केट भी मिल जाएगी जो कि खारी बबली से अटैच है। मेन यहाँ पर एक मस्जिद भी है, मस्जिद फतेहपुरी की है दोस्तों, फेमस जो है मस्जिद है यहाँ पर फतेहपुरी। उसके अलावा ये वाला रोड जो है ये जब आप ऐसे जाके लेफ्ट जाएंगे तो ये रोड आपको सीधा जो लेकर जाएगा सदर बाज़ार की तरफ। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है यहाँ पे, ये देखिए। और बहुत ही बिजी मार्केट रहती है यहाँ पे, आप देखेंगे ये देखिए फुली क्राउडेड रोड है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे चारों तरफ। तो ये मैंने आपको ये दिखा दिया और इससे हम जो है आगे चलते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइस, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रखी है। फिलहाल आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा इधर से, पर आपको दिखाता हूँ कि ये वाला हिस्सा जब आगे जाता है ना तो यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है खाने पीने की शॉप बनी हुई है, बहुत सारी जो है यहाँ पे, वो यहाँ से लेके आगे तक जाती है और काफ़ी दूर तक जाती है वो आगे तक। और इस तरफ भी ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए यहाँ सामने जो है पूरा ये भी ये सारी जो लाइन है इधर आगे तक जाती है, ये ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है पूरी की पूरी। तो ये जो है मार्केट का ब्लॉग है, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। शाम होने को रही है गाइस, मौसम थोड़ा सा जो है रिलैक्स फुल हो चुका है, तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी है छोटी बड़ी शॉप्स बहुत सारी,
हर तरह की शॉप्स आपको मिलेगी गाइस, यहाँ पे मेडिसिन से लेकर आपको बैंक और खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये फतेहपुरी चौक से मैं जो है वापसी आपको लेकर आया हूँ यहाँ पे। तो ये जो था, ये था चांदनी चौक का व्लॉग, और जो मैंने आपको चांदनी चौक के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, और आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा अगर आप चांदनी चौक आते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलेगा फ़िलहाल। और उसके अलावा अगर मेरे पास अभी टाइम बचता है तो मैं आपको एक और जगह लेके चलता हूँ दिल्ली 6 में ही। फ़िलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गर्मी के बारे का इस हालत देखिए बुरी हो रखी है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा फिर भी आपको। तो वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए ब्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।